कवायद में जुट गए हैं। 15 समितियों के जरिए 400 से ज्यादा कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में मोर्चा संभाले हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। यह नजारा है भाजपा प्रदेश मुख्यालय का। यहाँ चल रही तैयारियों को देखकर अगर आप किसी त्योहार या उत्सव की बात सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें, ये अमित शाह के दौरे की तैयारियां हैं। शहर में भले ही सड़कें बदहाल हों, मगर कार्यालय में डामर की एक और चादर चढ़ाई जा रही है। शहर में भले ही गड्ढे हों, मगर शाह जिन रास्तों से गुजरेंगे उनको चमकाया जा रहा है। पार्टी अध्यक्ष के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए 15 समितियों में 450 कार्यकर्ता जुटे हैं। जितनी कमेटियां बनी थी सब कमेटियों ने अपना अपना कार्य चालू कर दिया। आज से पंडाल ने भी अपना स्वरूप लेना चालू किया। मैं समझता हूँ सारी कमेटियां 23 तारीख को हमारे इस पूरे कार्यक्रम के लिए प्रभारी मंत्री श्रीमान कालीचंद जी सराफ हैं, 23 तारीख की सुबह 11 बजे उन्होंने इस व्यवस्था के लिए मीटिंग बुलाई है कि 23 तारीख तक करीब करीब सब मंडलों की बैठकें हो चुकी होंगी। सब कमेटी अपने अपने कार्य को अंजाम दे चुकी होंगी। तो 23 तारीख को एक समीक्षा बैठक होगी। उस समीक्षा बैठक के बाद कुछ जो कमी नजर आएगी उसको 23 तारीख और 24 तारीख इन दो दिनों के अंदर पूरा करके 24 तारीख की रात्रि तक हर व्यवस्था को पूर्ण अंजाम देने का प्रयास करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह पहली बार जयपुर आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में सरपंच से लेकर सांसद तक मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष के आगमन पर शहर के सभी प्रमुख रास्ते, सर्किल व सड़कों को भाजपा के बैनर झंडों से सजाया जाएगा। गुलाबी नगरी को भगवा रंग में सजाया जाएगा। कार्यकर्ता भाजपा रंग के साफे बांधे हुए होंगे। वहीं महिला कार्यकर्ता भाजपा की साड़ी पहने नजर आएंगी। जयपुर की संस्कृति की छाप भी शाह के स्वागत में नजर आएगी। जेएलएन मार्ग से लेकर अंबेडकर सर्किल तक जो हमारा स्वागत है, बैठक है, हर कार्यकर्ता टी शर्ट में, कहीं भी हमने ऑरेंज कलर कुर्ते भी बनवाए हैं, साफे भी बनवाए हैं, साड़ियाँ भी बनवाई हैं और टोपियाँ भी बनवाई हैं। तो एक विशेष पूरी आपको पूरे पांडाल में देहात के कार्यकर्ता एक अलग पहचान, देहात के कार्यकर्ता एक अलग ही वेशभूषा में वहाँ नजर आएगा और उत्साह में नजर आएगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अमित शाह के दौरे को सफल बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। शाह के दौरे की तैयारियों के लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने का आदेश दिया है। प्रभारी मंत्रियों को भी ये निर्देश मिले हैं कि आप अपने अपने जिले के अंदर जाकर के तैयारी करवाओ। सारे विधायक भी जुटे हैं, सारे जिला अध्यक्ष से लेकर के सारे नीचे का कार्यकर्ता जुटा है। मुझे लगता है हर जिले से, चूँकि एक स्तर तय किया है, यह जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, इसीलिए बूथ स्तर का कार्यकर्ता, वार्ड स्तर का कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित है। शाह के स्वागत में भाजपा राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाना चाह रही है। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए पार्टी की एकजुटता का संदेश। अब ये तो शाह के दौरे के दौरान ही तय हो पाएगा कि प्रदेश भाजपा अपने मिशन में कितना सफल हो पाती है। कैमरा पर्सन घनश्याम करोल के साथ लाल सिंह फौजदार, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। अमित शाह के दौरे के लिए बीजेपी पलक पावड़े बिछाए बैठी है, लेकिन कई ऐसी बातें भी है जिनका जवाब अमित शाह प्रदेश नेतृत्व से मांग सकते हैं। मसलन, पार्टी के 6 मोर्चों की कार्यकारिणी का अब तक गठन नहीं हुआ है। सत्ता और संगठन में तालमेल पर भी अमित शाह जवाब मांग सकते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सत्ता और संगठन मिलकर शाह के दौरे को सफल बनाने की कवायद में जुट गए हैं। 15 समितियों के जरिए 400 से अधिक कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में मोर्चा संभाले हैं। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय का नजारा किसी उत्सव से कम नजर नहीं आता है। कुल मिलाकर अमित शाह के दौरे पर अमिट छाप छोड़ी जाए और शाह का दौरा शाही बने, इसकी कोशिशें परवान पर हैं। जिस कार्यकर्ता सम्मेलन को शाह संबोधित करेंगे उसमें सरपंच से लेकर सांसद तक सबको मौजूद रहने का फरमान जारी हुआ है। कार्यकर्ता भाजपा रंग के साफे बांधे हुए होंगे। वहीं महिला कार्यकर्ता भाजपा की साड़ी पहने नजर आएंगी। पर ये वो तस्वीर है जिसे अमित शाह को दिखाया जाना है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी में अशोक परिणामी और वसुंधरा राजे की जोड़ी को 1.25 साल के करीब साथ करते बीत चुका है। बावजूद इसके सभी 6 मोर्चों की कार्यकारिणी का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। 8 जिलों में कार्यकारिणी नहीं बनाई जा सकी है तो 515 मंडलों की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो सका है। राजनीतिक नियुक्तियों की बात ना हो तो बेहतर है। ऊपर से बीते शुक्रवार को एसटी मोर्चे की बैठक में मीणा विधायकों की गैर मौजूदगी ने कोड पर खाज का काम किया।
तो क्या ये सब निशानियां ये जाहिर करती हैं कि बीजेपी में सब ठीक नहीं है? अमित शाह के जिस अंदाज में स्वागत की तैयारी है वो अंदाज सिर्फ दिखाने भर का है। आखिर क्यों एक प्रदेशाध्यक्ष कार्यकाल के एक साल में अग्रिम मोर्चों की कार्यकारिणी तक गठित नहीं कर पाता? क्यों सत्ता और संगठन के तालमेल पर सवाल होते हैं? और क्यों ये बात उठती है कि भीतर खाने में कहीं आग सुलगी है? तो सवाल ये भी होता है कि क्यों सच को शाह से छिपाया जा रहा है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जयपुर में प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारियों की समीक्षा करने भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री अनीता भदेल सोमवार को भीलवाड़ा पहुंची। भदेल ने इस दौरान पार्टी के जिला प्रभारी वीरमदेव सिंह के साथ जिले की 4 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और सदस्यता अभियान की भी जानकारी ली। संपूर्ण शिक्षा के जो मंदिर है वहीं टॉयलेट्स नहीं दे पाए हैं, तो आंगनवाड़ी की बात तो बहुत दूर की बात है, है ना जी। पर फिर भी जी। हमने लक्ष्य तय किया है कि हम जो आंगनवाड़ी भवन हमारे किराए के भवनों में चल रहे हैं उनको स्वयं का भवन हम कैसे उपलब्ध करा सकें, जिनके पास स्वयं के भवन है वहाँ शौचालय हम कैसे दे सकें। आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में हमने पूरे राजस्थान में 1000 आंगनवाड़ियों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस बजट में भी माननीय वसुंधरा जी ने 197 करोड़ रुपए का प्रावधान आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण के लिए रखा है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इन आंगनवाड़ियों को समुदाय की मुख्य गतिविधि का केंद्र हम कैसे बना पाए। चलिए अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।